अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं रईस रिजवान, आप सबका हमारे YouTube चैनल ट्रैवलर्स पर वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, हैर आफियत से होंगे। तो जी, आज है थर्सडे और इस साल की हमारी ये पहली वीडियो है जो कि हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर शॉपिंग के लिए, मामू ने शॉपिंग करनी है तो अभी वो नीचे मेरा वेट कर रहे हैं। तो अभी जल्दी जल्दी नीचे चलते हैं और आप सबको दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और जाकर क्या करेंगे, वो भी सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी चलते हैं। तो जी, हम लोग आ गए हैं हरम मार्केट में, अल हरम मार्केट में। मामू ने शॉपिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है, पीछे आप देख रहे हैं, और मैं जस्ट आया हूँ मामू की हेल्प करने। सिर्फ मैं और मामू आए हैं क्योंकि रहमान भट्ट साहब जो हैं वो आज काम से लेट हैं, जिसकी वजह से वो हमारे साथ हमें ज्वाइन नहीं कर सके। अभी अजान हो गई है तो अजान के बाद आपको अपडेट करते हैं। हाँ जी मामू जान, क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है? शॉपिंग हो रही है? ओ यार, शॉपिंग क्या है, इधर घर पहनने के लिए, ड्यूटी पे पहनने के लिए अच्छा चीजें ले रहे हैं, और क्या है। नहीं, ये तो सही बात है, लेनी ही चाहिए। तो जी जल्दी जल्दी शॉपिंग जो है ना मामू के साथ फिनिश करते हैं। टाइम पास हो रहा है? बस ये टाइम पास ही है, ठीक है। और फिर दिखाते हैं आप सबको आज का व्लॉग। इस मार्केट का नाम है अल हरम सेंटर। पहले भी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, आप लोगों ने पहले भी वीडियो में देखा होगा। सस्ती मस्ती क्वालिटी नहीं यार, महंगी है, नहीं लगी है, क्वालिटी है ही नहीं। ये तो है, देखने में ही है, लेकिन इसका कलर जो है उतर जाना दो दिन के बाद, लेकिन ग्रेस है, ग्रेसफुल है। चलो कहीं और चल के देख लेते हैं, कोई नहीं। पर ये नहीं लेना मामू, ये क्या सोच रहा हूँ, मुझे इधर सर्दी लगती है, मैं ले लूँ क्योंकि रात को मैंने जाना होता है ड्यूटी पे। सही बात है, वहाँ पे सर्दी होती है वाकई में। रात वैसे ही चलते हैं, हमने समंदर होता ही जाना नहीं जाना, नहीं जाना, आज रेस्ट डे है हमारा। चलो देखते हैं जी शॉपिंग इसके बाद क्या करते हैं मामू। कैशियर की लाइनों में लग गए हैं, शॉपिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। अभी जल्दी जल्दी यहाँ से हमने देने हैं कैश। शॉपिंग क्या है यार, दो इनर लिए हैं, उसमें सॉक्स लिए हैं, शॉपिंग क्या है। चलो जितनी भी थी थोड़ी बहुत हो गई है शॉपिंग मामू की, और अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से पता नहीं कहाँ पर, घर जाकर सोना है। तो किसी ने फोन किया अभी तक? अभी तक किसी ने फोन नहीं किया, और अभी मगरिब हो चुकी है और ईशा भी होने वाली है। अभी पहले तो पढ़ेंगे ना मगरिब की नमाज, उसके बाद फिर दूसरे काम इंशाल्लाह, उसके बाद फिर दूसरे काम, और फिर आप सबको भी दिखाएंगे कि अभी जो है वो आज हम क्या करेंगे। लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस वक्त जो है अल हरम की पार्किंग से निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सेंटर पॉइंट में जाएंगे यार। अच्छा। और पेंट ले लूँ मैं, अभी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, मामू की एक पेंट बाकी है। मैं वैसे ही कर रहे हैं शॉपिंग यार, चलो शॉपिंग ही हो रही है ना, शॉपिंग ही हो रही है जी मामू की। नॉर्मल सही में यार, काफी सही हो गया, पैंट शर्ट नहीं नहीं वो पहनने के लिए कुछ भी नहीं है यार, ये थे ना को पहनने के लिए कुछ नहीं है मामू जान, ये थे ना को ना यार, कुछ वाकई सही बात है, सारे यही कहते ने भाई तुम गंदे कपड़े पहन के फिर रहे हो। अच्छा चले, फिलहाल अभी हम जा रहे हैं सेंटर पॉइंट, वहां से सिर्फ एक चुंगे की पैंट लेनी है, एक पैंट लेनी है, तो जल्दी जल्दी से वो लेते हैं और मामू की शॉपिंग जो है वो कंप्लीट करते हैं। ये मुझे काफ़ी देर से बोल रहे थे कि शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करनी है, तो मैंने लास्ट वीकेंड पर रोका था इनको कि नहीं अभी करनी, नेक्स्ट वीक जाएंगे, फिर वीडियो भी बनाएंगे और फिर ताकि आप सबको भी दिखाएंगे यहाँ पर मार्केटों में लोग शॉपिंग कैसे करते हैं। हमारी शॉपिंग तो ऐसी ही होती है, गए उठाए और चलो जी ख़त्म। वैसे रियली बताऊँ तो मामू की हमसे भी स्पीड ज़्यादा तेज़ है, वो गए पता नहीं पसंद आई है नहीं आई, चुगलो चुगलो चुगलो, कमाल है। वैसे मामू जान पसंद भी आई है कि बस ऐसे ही? अपना अल्हम्दुलिल्लाह सी की पसंद, जिन्ने देना वो पसंद करन। हां सही बात है, जिते पाणे पे सही बात है, सही बात है। तो जी हम लोग आ गए अभी सेंटर पॉइंट, तो अभी चलते हैं अंदर और मामू की ये वाली जो आखिरी चीज रह गई ना, ये ऐसे जल्दी जल्दी से लेकर आते हैं। ओके जी, मिलते हैं आप सब। अच्छा जी, हम लोग आ गए हैं अभी घर वापस, और अभी मामू बताएंगे कि अब आगे का क्या प्लान है। जी मामू जान। हाँ जी सर, क्या प्लान है? अब आगे ये कि हम छोटे वर्षा का वेट कर रहे हैं कि वो टाइम पर आ जाए, तो हम उधर शायद भी की तरफ चले,
अच्छा पता नहीं अभी तक तो जनाब का कोई पता नहीं है किधर है किधर नहीं है, रास्ते की उसने मूवी लगा दी है मैं रास्ते में हूँ, पता नहीं अब कब तक हूँ, जब बस खैर से आए जब भी आए। आमीन आमीन। हम लोगों ने जी इशा की और मगरिब की नमाज पढ़ ली है, वेट हो रहा है बस छोटे भट साहब का इंशाल्लाह। वो भी ये भी थोड़ी देर पहले बताया उन्होंने कि हम वो रास्ते में है, वो इंशाल्लाह 7:30 बजे तक आ जाएगा। और अभी शायद टाइम हो, क्या टाइम हुआ, 7:45 हो गए हमें यहाँ से, 7:45 हो गए और अभी तक भट साहब नहीं पहुँचे, तो हैर से आएंगे तो फिर हम लोग जाएंगे चाचू की तरफ, फिर पता चलेगा कि आगे क्या होना है। वैसे कितने परसेंट चांस है मामू जान के कुछ प्लान होगा आज का? इंशाल्लाह 0%। तो जी पेशेंट को ये हो गई है 0% चांस है, आज कोई खास एक्टिविटी ऐसी नहीं होगी आउटिंग से रिलेटेड। तो फिलहाल जो भी होगा इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर करेंगे। अभी चलते हैं और देखते हैं, पहले व्हाट्सएप का वेट करते हैं, वो आएंगे फिर जाएंगे उधर, फिर आप सबको अपडेट करेंगे। मैं सारा कुछ करता हूं। रहमान जरा पीछे तो हटे, जरा मैं शेर दिखा दूं ना जरा। माशाल्लाह कमजोर लग रहे हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, माय फेवरेट डिश गुड़ वाले चावल। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है, कैसे हैं जी? तो जनाब आज हम आपको एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे, जो हमारी छोटी सी प्रिंसेस एक हैं, उन्होंने हमें स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज हमें आप हमारी दावत की है, हमें पार्टी दी है कि आप हमारे घर आए, क्योंकि उनको पाकिस्तान से स्पेशल कुछ गिफ्ट्स आए हैं जो वाकई अनमोल गिफ्ट्स हैं, और ये आपको आप खुद बताएंगी कि पाकिस्तान जी से ये जो गिफ्ट आए हैं वो किस किस ने भेजे हैं और किस तरह आए हैं, ये सारी स्टोरी अब आपको हमारी प्रिंसेस बताएंगी। नया के गिफ्ट्स आए हैं स्पेशल पाकिस्तान से, तो ये बताएगी कहाँ किसने दिए गिफ्ट, और ये बताएगी आपको अपने गिफ्ट पकड़ के। तो नया स्टार्ट बताओ, अपने गिफ्ट बताओ, ये किसने दिया आपको, ये आपको किसने दिए? नानों ने। ये लेकर कौन आया? नानो लेकर आई है। चलो इधर से बताओ ना, ये किसने दिया आपको ये? दादू ने दिया। ओके आप भी शुरू हो जाइए। ये किसने दिया है? ये वाला खाला ने। ये किसने दिया? अच्छा, चलो और ये किसने दिया? ये दादो ने। तो मैं बिलाल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, बिलाल भाई आप जरा हमें ये मानो बिल्ली ने अनबॉक्सिंग के लिए स्पेशल मैसेज किया था कि अनबॉक्सिंग करनी है, हमने करनी है ना, किया आपने अनबॉक्सिंग अपने दादो को और अपना नानो को थैंक यू बोले? नहीं बोला, बोलो इधर बोलो, बोलो ना दादो, देखेंगे तो कहेंगे मेरी बच्ची ने मुझे थैंक यू बोला, बोलो ना इधर देखे, बोलो नहीं बोलना, चल बोल बोल ना। चलो ये मीठा को लगता है, शर्म आ गई है। तो अभी हम ये गिफ्ट आपको पाकिस्तान से मिलेंगे, पाकिस्तान से मिले हमारी प्रिंसेस की तरफ से, हम सब थैंक यू बोलते हैं। हमारी प्रिंसेस शर्मा रही है, उसकी तरफ से हम सब की तरफ से आपको थैंक यू। ओके थैंक यू, हैप्पी यू। आप खोलो नहीं, कल जाके खोलना, इधर टूट जाएंगे। शो भी बंद, 11 बजे मार्केट बंद हो गई है। मार्केट अच्छा है ना, इससे मतलब पहली मार्केट है। इस जगह का नाम क्या है ये तो बताओ? सराबाद। अच्छा जी, लो जी दोबारा से शॉपिंग के लिए निकले थे, कुछ थोड़ा सा मामू का सामान जो था वो मिस था, शूज लेने थे, रहमान भट्ट साहब ने भी लेने थे, छोटे भट्ट साहब ने, तो हमने कहा कि चलो जल्दी फ्री हो गए हैं तो चल के जो है वो जो चीज़ें हैं वो बाकी दोनों ने जो लेने थे शूज वो ले लेते हैं, लेकिन मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो गई है, तो अभी देख रहे हैं अगर कुछ मतलब समझ में आएगा तो ज़रूर लेंगे, नहीं तो अल्लाह के सपोर्ट। हाँ जी
स्केचर है। हमने क्या लेना? हमने कैट लेना, कैटरपिलर। अच्छा चलो जी, देखते हैं बाकी मार्केट का विजिट करते हैं अभी और आप सबको भी करवाते हैं। दोबारा से हम लोग निकले थे शॉपिंग के लिए क्योंकि भट साहब की जो है ना, इनकी शॉपिंग जो थी वो अभी मिसिंग थी। नॉर्मल इन्होंने शूज़ लेने अपने काम वगैरह के लिए, तो अभी वो लेने निकले हैं। हाँ जी तो अभी भट साहब भी बताएंगे कि ये कौन सी जगह, इनको किसने यहाँ क्या लोकेशन बताई थी। हाँ जी भट साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। किधर से पहले तो ये बताओ? यार आज मैं ज़रा काम में बिजी था काफ़ी ज़्यादा। जुमेरात वाले दिन या बस कह लें कि आज ज़्यादा ही काम था, जुमेरात था इस वजह से। अच्छा लेट आया हूँ इसलिए पहले, मतलब मामू के साथ आप लोगों के साथ नहीं सका उधर इसलिए। लेकिन अभी किधर, ये कौन सी जगह पहले तो बताओ? यार ये सराबात है, इधर मैं आता रहता हूँ। ये मार्केट है मेरी, कह लो कि ये सुपर मार्केट है। यहाँ पर मुझे काम शाम होता रहता है, मतलब मेरे अपने फील्ड का, फील्ड से रिलेटेड। हाँ, फील्ड से रिलेटेड। तो ये किस टाइम लेकर आ गया यार हमें? तो यार आप लोगों ने कहा समुंदर पे लेकर चलो, मैं कहा यार समुंदर पे क्या करना है, शॉपिंग कम्प्लीट, शॉपिंग ही कम्प्लीट कर लेते हैं। चलो इधर आया, लेकिन अब आपके सामने मार्केट सारी बंद हो गई है। सही है, तो लेना क्या है आपने? मैंने तो शूज ही लेने हैं। कौन से? कैटरपिलर। देखे उसने थले दी खिलौंदी, इसमें से बाहर नहीं खिलौंदी। अच्छा ऐसी बात है। तो इस जगह, ये किस जगह पर है, ये जगह भी बताओ। यार ये जगह तहलिया पे, टेप्सी कुबरी के पास। टेप्सी कुबरी के पास, लेकिन ये बहुत मशहूर मार्केट है। अगर आप गूगल पे भी कहीं लिखते हैं ना, मतलब इसका सराबात, सराबात, तो निकल आएगा। ये इजीली है, इजीली फाइंड है। अच्छा मतलब तो फिर भी, लेकिन ऑलमोस्ट हर चीज़ है यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे, लेकिन अभी तो सब कुछ बंद है। फिलिपीनी, इंडोनेशियन, ये बेसिकली उनकी मार्केट है यहाँ पे, उनकी हर चीज़ मिलती है सुपर मार्केट में। अच्छा तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देखेंगे ज़्यादा फिलिपीनी ही है। अच्छा चले, हम इसकी लोकेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, अगर इजी यहाँ पर आना हो तो आप लोगों ने, किसी ने विज़िट करना हो तो ईज़िली यहाँ पर विज़िट कर सके। तो अभी आपको ये दिखाते हैं, ये पीछे हमारे जी सारी मार्केट तकरीबन जो है वो बंद हो गई है। ये देखें बच्चे मस्तियां कर रहे हैं इस वक्त, ये कंडीशन होती है रात को जब सारी मार्केट बंद हो जाती है। तो जी देखते हैं क्या करते हैं अभी, तो अगर कुछ चीज़ समझ में आएगी तो ले लेंगे, नहीं तो फिर दोबारा से ही कभी दोबारा किसी और मार्केट में विज़िट करेंगे। इनके शूज़ जो है ना बेसिकली वो लेने बाकी हैं। मामू ने भी लेने हैं। हाँ वही बता रहा हूँ, मामू ने और आपने लेने हैं, तो इन दोनों ने शूज लेने हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे तो ले लेंगे, नहीं मिलेंगे तो फिर किसी और जगह जाएंगे। इधर आएंगे दोबारा क्योंकि यहाँ पे लगी है सेल, लगी सेल है पीछे। अच्छा क्योंकि मैं पिछले हफ्ते आया हुआ था, मैं पता करके गया तो सेल आए थे। कल तो नहीं खुलेगी, 25% आया। नहीं कल पता नहीं, फ्राइडे को नहीं खुलेगी, लेकिन शायद कल लगाए, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम। चले देखते हैं। लो जी थक हार के हम लोग घर वापस आ चुके हैं। टाइम जो है वो 12:45 बज गए हैं हैर से रात के, और शॉपिंग के लिए हम निकले थे बाहर। शॉपिंग क्या थी, वो एक दो चीज़ें मिस थी तो वो लेनी थी, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि मार्केट जो थी वो बंद हो गई। तो हम लोग अभी घर आ गए और सब जो है वो अपने अपने पॉइंट पर पहुंच गए हैं, अपने अपने सब लोगों ने मोर्चे संभाल लिए हैं। अब सोने की करेंगे तैयारी, या थोड़ी थोड़ी देर अपने अपने मोबाइल यूज़ करेंगे और फिर सो जाएंगे, क्योंकि सुबह है जुम्मा और जुम्मे की नमाज़ पढ़नी है। तो बामू भी ले आए हैं पानी ठंडा, और यहाँ बातें पेप्सियों की होने लग गई हैं। इससे पहले कि यहाँ काम ख़राब हो जाए, इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर ही ख़त्म। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। इसी के साथ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आप सब की खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए, हाँ जी बाबू जान, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। रात को पेप्सी पी रहे हैं जी, और साथ में क्या देख रहे हैं? तारक मेहता।
तो जी पीते हैं पेप्सी और इंजॉय करते हैं तारक मेहता।